भेज जाएगी, आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर बताना है। सो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पिक्चर कि वेयर आर द डॉग्स, डॉग्स कहाँ हैं? तो आप देख रहे हैं डॉग्स बॉक्स के अंदर है, तो जब अंदर होगी तो आप आंसर कैसे देंगे? द डॉग्स, द डॉग्स आर अंदर के लिए कौन सा वर्ड आता है? इन, इन द बॉक्स, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर है, तो डॉग्स आर इन द बॉक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज द कैट। अब ये क्वेश्चन है इस पिक्चर का, वेयर इज द कैट, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? वो बकेट के बाहर भी है, बाहर है, तो आप बोलेंगे द द कैट इज, आप ये भी लिख सकते हैं नियर द बकेट या आउटसाइड द बकेट, वो बाहर भी है और उसके पास भी है, तो इन दोनों में से जो आप लिखना चाहे एनी वन ऑफ द टू आंसर्स यू कैन राइट। सो द कैट इज नियर द बकेट या आउटसाइड द बकेट, ठीक है। आप इसकी जगह नियर द बकेट भी लिख सकते हैं कि उसके पास है, और वो चूंकि इसको बाहर भी है तो बाहर के लिए आउटसाइड द बकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द लेडी बर्ड। हियर इज द पिक्चर, ये लीफ ऑफ द लेडी बर्ड है, तो वेयर इज द लेडी बर्ड, लेडी बर्ड कहाँ है? तो आपने क्या देखा, वो कहाँ पर है? लीफ के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? द लेडी बर्ड इज ऊपर के लिए ऑन ऑन द लीफ, ठीक है, द लेडी बर्ड इज ऑन द लीफ। नेक्स्ट वी हैव वेयर इज द मून, ये है पिक्चर, स्काई में मून है, तो कहां है मून? इन द स्काई, द मून इज इन द स्काई, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, जैसे वेयर आर द एप्पल्स, एक बाउल में एप्पल्स है, तो क्या लिखोगे? द एप्पल्स आर इन द बाउल, ठीक है। वेयर आर द बीज आर इन द हाइव, राइट। जैसे ये